हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर से एक और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है एचपी की तरफ से आ चुकी है। एचपी 2024 जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल चला हुआ है, पता है आपको कि 5 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो एक छोटा सा एक और नोटिफिकेशन आ चुकी है, थोड़ी सी अपडेट की गई है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये पहले भी आ चुकी है। नोटिफिकेशन क्या कहती है? नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है, यानी कि काउंसलिंग के लिए है। ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड अंडर स्पोर्ट्स वाले, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर वाले जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, एंड बैकवर्ड एरिया कैटेगरी एंड सब कैटेगरी फॉर द काउंसलिंग फॉर्म 2024। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो HP2 ने निकाली है, ठीक है। क्या नोटिफिकेशन है आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लगती है, ठीक है। बाकी अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDFs वगैरह शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुकी है पर इसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया है। तो इसमें कहा गया है, सीधा सीधा मैं पॉइंट की बात करूँगा, ठीक है। हमीरपुर इज़ गोइंग टू द स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन इंजीनियरिंग फार्मेसी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, जिन्होंने अभी एडमिशन लेनी है +2 के बाद, ठीक है। कौन कौन से जिन्होंने कहाँ एडमिशन लेनी, किस में लेनी? इंजीनियरिंग फार्मेसी में और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है। इट्स ऑन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। अकेडमिक सेशन जिन्होंने अभी लेनी है 2024 और 2025 में। अब कौन से बच्चे वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए? ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर भी दी गई है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड एरिया, एक्स सर्विस मैन, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर्स एंड बाकी हैं बट एक्टेड टू प्रेजेंट फिजिकली अलॉन्ग विद देयर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, एक्स सर्विस मैन की, स्पोर्ट्स और बैकवर्ड एरिया, तीन कैटेगरी दी गई है। जाना कब है? 11 तारीख को जाना है और 11 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है, यानी कि आपको पहले ही पहुँच जाना, 10 बजे पहुँच जाना, क्योंकि ठीक रहता है 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, ठीक है। कहाँ पर होगी? HP2 @ दरोही हमीरपुर में ही होगी, ठीक है, ये लोकेशन है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। और 11 तारीख को है और 11 बजे है, और थोड़ा जल्दी चले जाना। अब यहाँ पर जो मेन बात है सर, ये नोटिफिकेशन पहले भी मैंने आपको बताई है, जो मेन बात है ये देखिए। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी गॉट देयर अबव डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑन अर्लियर डेट 5 जुलाई 2024। ये काउंसलिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, 5 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आया था कि जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्होंने 5 तारीख को जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करानी है, ठीक है। तो जो बच्चे जा चुके हैं इन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और ये जिनमें एडमिशन लेनी है इंजीनियरिंग फार्मेसी मैनेजमेंट, जो बच्चे जा चुके हैं उन्होंने नहीं जाना है, ये देखिए। 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम अगेन एंड दे मे इग्नोर दिस नोटिस। जो पहले ही 5 तारीख को जा चुके हैं तो इन्होंने अब नहीं जाना है। अब बच्चे कौन से जाएंगे? जिन्होंने 5 के बाद और 8 के बीच में काउंसलिंग फॉर्म भरा है, एडमिशन ली है, किस में? फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, वो जाएंगे। कौन से बच्चे जाएंगे? जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन वगैरह, डिफेंस वगैरह, स्पोर्ट्स, बैकवर्ड एरिया, वो आपको पता होगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर इन कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हैं और जिन्होंने 5 के बाद जो है एडमिशन ली है, क्योंकि डेट एक्सटेंड की गई थी काउंसलिंग की भी और एडमिशन की भी, जिन्होंने इसके बाद एडमिशन ली है, तो वो बच्चे जाएंगे अब 11 तारीख को। वो बच्चे मत पता चले जाना जो पहले ही 5 तारीख को चले गए हैं, वो नहीं जाएंगे, वो इस नोटिस को इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो पहले आ चुके हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं 5 जुलाई को, उन रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि नॉट रिक्वायर्ड, आना जरूरी नहीं है, बस वही जाएंगे जिन्होंने 5 के बाद और 8 के बीच में एडमिशन ली है, ठीक है। इतनी सी ही नोटिफिकेशन थी, आज का अपडेट इतना थी। अगर कोई और नोटिफिकेशन आएगी तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कीप इन टच में रहिए, चैनल पर बने रहिए। अगर कोई डाउट है, कोई और टॉपिक वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, जहाँ भी आप, मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर, मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम पे मैसेज करना, आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं हर जगह 24x7 सर्विसेज फ्री है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम। और एक और दोस्तों, अगर किसी का कोई फॉर्म वगैरह फिल करना होता है तो मैं भी कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी और को डाटा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास रखिए। मैंने एक बच्चे का भी चेक किया था, ठीक है, उसने भी अपना एक एडिट करना था, फिर उसको समझ नहीं आ रहा था, उसने फिर मुझे दिया, फिर मैंने उसका थोड़ा बहुत किया था जो मेरे से हुआ, ठीक है। बाकी किसी का अगर कुछ और करना हो तो कई बच्चों को पता लगता नहीं, कई मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाता है, फिर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, फ्री सर्विस है, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल फ्री हूँ, घर पर हूँ, इसलिए मैं आप सभी के लिए
हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, जितना मेरे से होगा। आपको सभी को पता ही कि हेल्प तो करता हूँ मैं सबकी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं सोचना नहीं कि हमारा डाटा जाएगा वगैरह वगैरह, आप सभी के सामने होगा जो होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। अगर आप कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा लेते हैं, 100 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पर फ्री सर्विस है, ठीक है। कितना लग कुछ जो फीस होगी वही लगेगी, बाकी कुछ पर अब तो डेट चली गई है, पर एक डेट है 15 तक, जिन्होंने MCA या पी फार्मेसी कुछ है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर कोई नोटिफिकेशन आती तो हम सभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।